हंसते हुए चेहरों के साथ में यहाँ पे शुरुआत है। व्हाइट और ब्लैक ये दोनों ही मेरे स्टूडेंट्स हैं। व्हाइट प्लेयर जिसका रेटिंग क्लोज टू 1200 है लीचेस पर, मैंने उसको एक कंप्यूटर के अगेंस्ट गेम लगा कर दिया है। ब्लैक प्लेयर जो अभी रिसेंटली बिगिनर है, जस्ट उसने रिसेंटली चेस क्लास ज्वाइन की है, इसीलिए उसको कंप्यूटर के साइड से मैंने बैठाया ताकि वो कंप्यूटर के मूव्स कर पाए। अभी आप देख सकते हो बोर्ड पर e4 b6 मूव्स हुए हैं, दोनों नाइट्स डेवलप किए वाइट ने। अभी कंप्यूटर जो है वो दोनों साइड से अपने बिशप्स को ड्रैगन बिशप बना रहा है। अभी यहाँ पर ना मैंने मेरे स्टूडेंट को बताकर नहीं रखा है कि वो लेवल 4 कंप्यूटर से खेल रहा है जिसका रेटिंग क्लोज टू 1600 है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो आप चेस बोर्ड देख रहे हो ये एक इलेक्ट्रॉनिक चेस बोर्ड है चेसनट का, जिसके बारे में आप फुल वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर अभी आप एक चीज़ देखोगे तो ब्लैक ने यहाँ कोशिश की खुद के मन से मूव कर देगी, लेकिन उसको बताया गया है कि नहीं, जो कंप्यूटर खेलेगा जो लाइट्स लगेंगे वही मूव्स कर ले। पूरा का पूरा सेंटर अभी वाइट ने ले लिया है। अभी आप जैसे देख सकते हो ब्लैक अपने पीसेस को धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, जबकि वाइट का कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया है। दोनों नाइट्स, दोनों बिशप्स, पॉन्स अच्छे से सेंटर में है, कैसलिंग हो गया है। तो अभी ब्लैक को भी क्विक डेवलपमेंट ज़रूरी है। ब्लैक की तरफ से सेंटर कंट्रोल अभी भी बचा हुआ है, एक नाइट अभी भी डेवलप नहीं है, बट ये भी एक वे ऑफ प्लेइंग होता है ब्लैक की तरफ से, जो बहुत कॉमनली देखा गया है बहुत सारे ओपनिंग्स में, कि पहले वाइट को पूरा का पूरा सेंटर दिया जाता है और ब्लैक बाद में सेंटर के लिए फाइट करता है। तो यहाँ आया मूव बिशप टेक्स नाइट। अभी क्वीन ने बिशप को मारा, थोड़े से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते जाते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। और उसके साथ में ना क्या है कि आसपास ना और भी बच्चे खड़े हैं जो उनको हंसा रहे हैं थोड़ा सा, तो पूरा फन एक्टिविटी चल रही है क्लास में, ठीक है। अब देखते हैं आगे। ओके, वाइट ने अटैक करना शुरू कर दिया है नाइट b5 के साथ। ब्लैक ने उसके नाइट पर अटैक तो किया, लेकिन क्या वो अटैक सक्सेसफुल है? नो, नाइट c2, अब सॉरी नाइट c7, अमेजिंग मूव, अमेजिंग मूव। यहाँ पर अभी उस रुक का बचना नामुमकिन है, तो पहले रुक को मार दिया बिल्कुल। अभी ब्लैक को भले ही एक बिशप मिल जाएगा, लेकिन पहले उसने उस नाइट को मारा है, जो कि मतलब ज़रूरी नहीं था। पहले ब्लैक के पास चांस था कि वो बिशप मार दे फिर नाइट को मारे, क्योंकि नाइट कहीं भागने नहीं वाला था, बट ठीक है कंप्यूटर ने अभी उस अकॉर्डिंग खेला है। ओके, तो अभी बिशप पर है प्रेशर। वाइट का पोजीशन आप देख सकते हो कि क्लियरली बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ही अच्छे पोजिशन के साथ खेल रहे हैं, फन एक्टिविटी भी चल रही है, हंस रहे हैं बेचारे बच्चे दोनों बीच बीच में, वेरी गुड। अब देखते हैं वाइट क्या खेलेगा। कन्फ्यूजन में बिशप बचाना है, लेकिन किधर बचाया जाए। तो यही एक बात होती है 1200 रेटेड प्लेयर की, सोच समझ के हर मूव को करेगा। अभी यहाँ पर उसके बिशप पर वापस अटैक किया है ब्लैक ने, बिशप उसको अभी पीछे लेना ज़रूरी है, तो वो पूरे के पूरे तरीके से पीछे आ गया है, e2 पर आकर बैठ चुका है बिशप। फाइनली नाइट का डेवलपमेंट किया है ब्लैक ने। अभी वाइट का एक सिंपल स्ट्रेटेजी है कि क्योंकि उसका पोजिशन बेटर है, तो बस उसको पीसेस का करना है अभी एक्सचेंज। पीसेस का अगर वो एक्सचेंज भी कर ले तो उसके लिए इनफ है। तो अभी आप जैसे देख सकते हो कि उसने नाइट्स का एक्सचेंज कर लिया, बट यहाँ से अभी जो दोनों बिशप्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए ब्लैक के लिए। ओके, आप देख सकते हो कि जो दोनों डायगोनल्स हैं वहाँ से बिशप पूरी तरीके से अभी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वाइट को बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा इधर, वरना बहुत ही ड्रास्टिक अटैक आ सकता है, क्योंकि लेवल 4 कंप्यूटर है, उसको मौका मिलेगा तो वो चेकमेट करेगा, वो नहीं छोड़ने वाला है। अब वाइट का बहुत ही अच्छा मूव पॉन c3, क्यों? क्योंकि b2 पॉन पर था प्रेशर। क्वीन आ गया है, चेकमेट का थ्रेट है, लेकिन इस समय तो चेकमेट के थ्रेट को बचा लिया है, क्वीन को आगे रख दिया है अभी ब्लैक ने। तो अभी आप देख सकते हो कि ब्लैक के पास भले ही एक रूप कम है या फिर एक्सचेंज डाउन है बोल सकते हो, फिर भी पूरा का पूरा अच्छे से अटैक कर रहा है। वाओ, अमेजिंग मूव आ गया है यहाँ पर पॉन पुश। पॉन पुश करने से वो दूर बैठा बिशप एक्टिवेट हो गया है, जो अब तक कुछ नहीं कर रहा था। अभी शायद वाइट का उस तरफ ध्यान नहीं, वो पॉन के लिए सोच रहा है कि भाई इसने फ्री पॉन दिया क्यों, या फ्री पॉन देने से कोई प्रॉब्लम हो रहा है। उसको लगा कि चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, पिकअप कर लेते हैं पॉन को, और कम्प्लीटली मिस कर दिया इस थ्रेट को। या हो गया चेकमेट। आप ब्लैक के चेहरे पे स्माइल भी देख सकते हो, ब्लैक प्लेयर के चेहरे पे, दोनों के चेहरे पे स्माइल है, कंफ्यूज हो गया कि भाई ये चेकमेट कहाँ से आ गया।